हेलो एवरीवन, यह है मेरे हाथ में रेजर का आर्क 400 जो कि एक वायरलेस चार्जर है। वायरलेस चार्जर क्यों मंगाया मैंने? ऐसे ही मंगा लिया यार, कभी वायरलेस चार्जर ना यूज़ करके देखा नहीं था, तो यूज़ करके देखना था। रेजर का आर्क 400 वायरलेस चार्जर जो लगभग 900 रुपये का मेरे को मिला, कुछ कार्ड वगैरह डिस्काउंट या थोड़ा बहुत कूपन वगैरह मिल जाते हैं, लगभग 850 के आसपास आपको पड़ जाएगा। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसका डब्बा है मेरे पास। अगर डब्बे की बात करें तो बेसिकली एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जॉर्जियन एंटरप्राइजेस, वो बनाती है, वो ओन करती है रेजर को, उसकी सब ब्रांड है, तो वहां से ये बनाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया की कंपनी बनाती है, हालांकि इस पे डब्बे पे लिखा हुआ है कि डिजाइंड इन US एंड मेड इन चाइना। अगर लुक की बात करें, बड़ा सिंपल सा एक गोल है, एकदम चार्जर पैड है गोल, जिसके सामने में एक यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है जो रेजर कंपनी का ब्रांड का आइकन है, लोगो है, वो है, कुछ पीछे लिखा हुआ है, ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है, रेजर 110 वॉट वायरलेस चार्जिंग पैड, मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, इनपुट दे रखा है कि DC 5 वोल्टेज 2 एम्पियर, मतलब बेसिकली 10 वॉट का इनपुट ये लेता है और आउटपुट ये देता है 5 वॉट 7 वॉट और 10 वॉट का। बेसिकली 5 वॉट का आउटपुट ये देता है, जो एयरबड्स वगैरह होते हैं, वायरलेस ईयरबड्स वगैरह होते हैं या फिर वॉचेस वगैरह होती है, उनके लिए 5 वॉट का आउटपुट देता है। इसके अलावा अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो, आईफोन को वायरलेसली चार्ज कर रहे हो इस वाले पैड को यूज करके, तो उसके लिए आउटपुट मिलेगा आपको 7.5 वॉट का। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है वायरलेस चार्जिंग जो सपोर्ट करता है, उसके लिए आउटपुट मिलेगा आपको 10 वॉट का। या फिर आईफोन वालों ने ठग लिया, 2.5 वॉट का आउटपुट कम मिल रहा है आईफोन वालों के लिए। जब मैंने टेस्ट किया तो लगभग 3-3.5 घंटे के आसपास, मेरा आईफोन 11 है जो मैं यूज कर रहा हूँ, वायरलेस चार्ज मैंने करके देखा था, मैंने चार्ज किया था अपना आईफोन 11 जो है वो किया था 20% से और लगभग 92% तक, उसके लिए लगभग इसने 2.25 घंटे के आसपास लिए थे। तो अगर आप 0 से 100 तक लगाओगे तो लगभग 3-3.25 घंटे या 3.5 घंटे में आपका आईफोन 11 है तो फुल चार्ज हो जाएगा, तो लगभग 3.5-4 घंटे के आसपास लेगा, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग जो थोड़ी स्लो होती है। अगर इनपुट की बात करो तो इनपुट के लिए यहाँ पे एक Type-C पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है जिसके लिए आपको Type-C केबल चाहिए। इसके साथ एक केबल आती है, लेकिन मेरे पास सैमसंग का एक चार्जर था 15 वॉट का, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अडाप्टर तो वैसे भी नहीं मिलता है इसके साथ में, तो हमें अडाप्टर अपना यूज़ करना पड़ा। मेरे पास सैमसंग का एक चार्जर पड़ा हुआ था, तो मैं सैमसंग की केबल है, सैमसंग का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ जो 15 वॉट का है, उसको यूज़ करके मैंने टेस्ट किया था सारा, तो ऐसी कोई इशू नहीं आया। कोई भी आपके पास अडाप्टर है वो 10 वॉट से ज्यादा का होना चाहिए। सैमसंग के चार्जर के साथ कोई भी इशू नहीं है, हीटिंग वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं था, एकदम हल्का सा वार्म हो रहा था, इसके अलावा हीटिंग का कोई इशू नहीं था। और साथ में ये एक ग्लास केस है जो कि मेरे फोन पर लगा हुआ है, उसमें से भी ये चार्ज कर पा रहा था, तो चार्जिंग में कंपेटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपली चार्ज कर पा रहा है। वायरलेस चार्जिंग पर देखेंगे बहुत सारे जिनमें अलग अलग कॉइल्स होते हैं, किसी में एक कॉइल होती है, किसी में दो, किसी में 3, 4, 5 तक कॉइल होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑरिएंटेशन में चार्ज करने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ चार्ज करने के लिए, लेकिन इसमें एक ही कॉइल है, एक बार में एक ही डिवाइस आप चार्ज कर सकते हो, और वो भी आपको ऑरिएंटेशन में सही रखनी पड़ेगी। 24 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है। अगर आपका ये बॉक्स जो है जिसमें ये पैड आएगा, यहाँ पे एक 2 QR कोड स्कैनर बने हुए हैं, ऊपर वाला जो QR कोड है अब उसको स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पैड जो आपने खरीदा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके अलावा एक नीचे स्क्रैच कोड है, आप उसे स्क्रैच करोगे उसके अंदर एक आपको QR कोड और मिलेगा, उसे आप स्कैन करने के बाद इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहां पे जाके आपको नाम ईमेल वगैरह डालना है, इस प्रोडक्ट आईडी वगैरह, ऑर्डर नंबर, आपका बिल वगैरह अपलोड करना है, उसके बाद आपकी वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि 24 मंथ्स की वारंटी मिलती है, तो वारंटी के हिसाब से काफ़ी सही है, बजट के हिसाब से भी काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बोलूंगा मैं इसको। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही वायरलेस चार्जिंग पैड है ये, लेकिन सोचने वाली बात है कि सच में वायरलेस चार्जिंग पैड की जरूरत है क्या? क्योंकि यार एक मेरे पास फोन है, एक एयरपॉड्स है, उन दोनों को मैं इस पे चार्ज करता हूँ, इसके अलावा जो सैमसंग का M51 फोन है वो वायरलेस चार्जिंग हो नहीं पाता है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो है वायरलेस चार्जिंग थोड़ी कम इफिशियंट होती है वायर चार्जिंग से। वायर चार्जिंग से आपको फास्ट पावर डिलीवरी भी मिलेगी, आपका फोन जल्दी भी चार्ज होगा, और उसके अलावा पावर इफिशियंट भी ज्यादा होती है वायर चार्जिंग, तो सच में जरूरत है। मैंने तो बस इसीलिए, मेरा काम है टेक्नोलॉजी वगैरह, गैजेट्स वगैरह ऐसी मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैंने खरीदा जस्ट देखने के लिए यार वायरलेस चार्जिंग में कैसा होता है। 2-3 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ चार्जिंग पैड, प्राइस के हिसाब से काफी ठीक है, वर्थ है। अगर आपका मन है कि आपको वायरलेस चार्जिंग पैड खरीदना है, पहली बार खरीदना है, ट्राई करना है, तो उसके लिए सही है, प्राइस के हिसाब से वर्थ है, आप खरीद सकते हो इस वाले चार्जिंग पैड को। फिलहाल वीडियो में इतना ही, ऐसी और गैजेट वगैरह की, सॉफ्टवेयर वगैरह की, ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मस्त एकदम वीडियो आएंगी, उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वो सारी वीडियो अब तक पहुंच पाए उसके लिए नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है वो आपको दबा देना है, उसके साइड में छोटी सी घंटी है नोटिफिकेशन बेल, वो भी आपको दबा देनी है, और साथ में कमेंट करके बताना है कौन सी चार्जिंग आप प्रीफर करते हो, वायर्ड चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों में से कौन सी चार्जिंग आपकी फेवरेट है। वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।